What is up YouTube? आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, कुछ कुछ गलतियां आप जो कर रहे हो दोबारा, जिसके कारण आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, जो आपको पता भी नहीं है। अगर आप ऐसी गलतियां करते रहोगे तो आप जल्दी अनुपम खेर बन सकते हो। सॉरी अनुपम खेर फॉर दैट, बट ऐसा सही बात है, ये हो सकता है। जल्दी ही आप गंजे हो सकते हो, आपके बाल ही नहीं रहेंगे, तो स्टाइल किस काम की। तो अब मैं बताता हूँ कुछ ऐसे मिस्टेक जो आप करते हो। भाई मारो मुझे, मारो। टिप नंबर वन, क्यों आप अपने बालों के पीछे हाथ धो के पड़े हो? आप ठीक है हाथ धो, बट बाल इतना मत धो यार। मींस कि आपको शैम्पू कम से कम सप्ताह में 3 से 2 बार ही करना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि नेचुरल ऑयल होती है बालों के अंदर, वो प्रोड्यूस होती है नेचुरली, जिससे हमारी हेयर ग्रो होती है, उसको यू नो थिकनेस होती है, हमारी हेयर ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो होगी, हेयर फॉल के चांसेस कम होती है। बट आप यार सुधरोगे नहीं, आप रोज़ शैम्पू लगा के अपने बालों को डैमेज कर दे रहे हो, ड्राई कर दे रहे हो, ख़राब कर दे रहे हो, तो हेयर फॉल इसी के कारण ज़्यादा आपकी हो रही है कि आप रोज़ शैम्पू कर रहे हो। तो आपको शैम्पू रोज़ नहीं करना है, और जब भी आप शैम्पू यूज़ करो पैराबिन फ्री शैम्पू यूज़ करो। अब आप लोग पूछेंगे अब आप पूछोगे कि कौन सा शैम्पू यूज़ किया जाए। बहुत सारा मार्केट में पैराबिन फ्री शैम्पू है, सो आप यूज़ कर सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप गूगल पर सर्च करो पैराबिन फ्री शैम्पू के बारे में। आपको मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। बियर्डू की आप पैराबिन फ्री शैम्पू यूज़ कर सकते हो, पतंजलि की यूज़ कर सकते हो कोई भी शैम्पू, आप ममाज अर्थ की शैम्पू यूज़ कर सकते हो, वाओ कंपनी की यूज़ कर सकते हो, ये सारी कंपनी में से कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, नंबर टू, गर्म पानी से नहाना छोड़ दो। गर्म पानी आपकी स्किन को, आपकी स्कैल्प को डैमेज करती है, डिस्ट्रॉय करती है। तो अगर आप ठंडे की मौसम में आप गर्म पानी से नहा रहे हो, तो फिर भी आप रूम टेम्परेचर के पानी से नहाओ तो अच्छी रहेगी आपके लिए। और ऑफकोर्स अभी गर्मी की मौसम है, तो आप गर्मी के मौसम में आप गर्म पानी से नहाओगे नहीं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहाते हैं, लाट साहब है और वो राजे महाराजा के वीडियो, खैर जो भी है, तो आपको गर्म पानी से नहीं नहाना है। आपको यू नो गर्म पानी आपकी स्किन के लिए, आपकी स्कैल्प के लिए अच्छी नहीं होती है, तो गर्म पानी को अभी बोलो नो फॉर, अगर आपको चाहिए हेल्दी स्किन और हेल्दी स्कैल्प जिससे आपकी बाल बची रहे। तो नंबर थ्री, अगर आप बाल बढ़ाने की सोच रहे हो, अगर आपके बाल अच्छे तरीके से लंबी हो गई है बट आपको कटवाना होगा, अब आपको ट्रिम करना होगा रेगुलर, आपको कम से कम 3 महीने में आपको बालों को ट्रिम करना है। क्यों? क्योंकि बालों में स्प्लिट एंड्स आ जाती है, मतलब जो एक बाल होते हैं ना वो आगे छोड़ पे जाके दो हो जाते हैं, वो डिवाइड हो जाती है। तो उससे क्या होता है ना, अगर आप छोड़ दोगे ना उसको, तो ये डिवाइड होते होते पूरी वो जो बाल है ना पूरी रूट तक चली जाएगी, और वो बाल थिन हो जाएगी सबसे पहला, और दूसरा वो पूरी ड्राई हो जाएगी, और तीसरा वो डैमेज होकर टूटने लगेगी। तो आपको बार्बर शॉप में जाना है, नॉर्मली आप सलून में जाओ, अपने सलून वाले को बोलो कि नॉर्मली आपको बाल 1 इंच सब महीने में 3 महीने में एक बार जाओ और 1 इंच सिर्फ इतना सा बाल कटवाना है आपको, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो उससे आपकी स्प्लिट एंड्स खत्म हो जाएगी, जिससे आप सेफ रहोगे, आपकी हेयर फॉल बहुत हद तक कम रहेगी, हेयर डैमेज नहीं रहेगी और रूखेपन नहीं आएंगे आपके बालों में, और आप इंजॉय कर सकते हो अपनी फुल्ली ग्रोन हेयर्स। टिप नंबर फोर, आप सभी लोग करते हुए गारंटी में बोल रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना जो जो आप लोग करते हो, वो है नहा के आए और यू नो अपने आईने में देखे और स्टाइल कर रहे हो। ऐसी कुछ नहीं है भाई, देखो नहा के आए आपकी बाल चिपकी हुई है, जब आप कंघी मारोगे इसमें तो आपकी बहुत सारी बाल फंस के टूट जाएगी, इससे ही ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं, ज़्यादा आपके बाल झड़ते हैं। तो आपको नहा के थोड़ी देर रुको, सब्र रखो, ठंड पे हो, उसके बाद आप अपने बालों को कॉम कर सकते हो। ये नंबर वन मिस्टेक है, अगर आप अपने बालों को जब भी आप नहाए अपने गीले बालों को आप कंघी कर रहे हो तो ये अभी रोको आप। एंड नंबर फाइव, माय फेवरेट, पता है क्या, जब भी आप धूप में जा रहे हो आप एकदम यू नो हीरो की तरह बाल झाड़ के घूम रहे हो मस्ती में, ऐसी क्या जल्दी है, जब बाल ही नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा हीरो बन के भाई। तो आपको जब भी बाहर जाओ सुबह सुबह आप सन बाथ लो ना, विटामिन डी मिलेगी, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। बट आप दोपहर में जब आप यू नो अच्छे से बाल वाल झाड़ के आप घूम रहे हो ना दोपहर में धूप में वो भी, तो भाई आपकी हेयर फॉल 100% होगी। क्यों? क्योंकि हार्मफुल यूवी रे जो सन की होती है वो आपकी हेयर की स्कैल्प को डैमेज करती है, डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, तो उससे आपकी हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। तो आपको जब भी बाहर निकलो आप कैप पहन के बाहर निकला करना, जिससे आपकी प्रोडक्शन मिलेगी आपको यूवी रेज से। ऑलराइट, सो ये सारे टिप आप अप्लाई करो जो आप गलतियां करते हो, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सी हेयर मास्क बेस्ट होती है हेयर फॉल के लिए, और आपकी हेयर में वॉल्यूम किस तरीके से आए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारा टॉपिक को क्लियर करूंगा, हेयर मास्क किस तरीके से होम रेमेडी से बनाया जाए। सो स्टे ट्यून, आई होप कि ये सारी जो मैं टॉपिक क्लियर आउट किया हूँ आप लोग करो, इस्तेमाल करो, ये सारे 5-6 टिप्स जो मैं बताया हूँ ये सारी चीज़ों को आप सही कर लो, सुधार लो, जिससे आपकी हेयर फॉल
कम हो जाए और आप गंजे ना हो, आप अनुपम खेर नहीं बनो. ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब कर देना नीचे. ऑलराइट, बाय, प्लीज.